इंफॉर्मेशन। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 है ना, दिस इज 60% ऑफ द बजट राइट। इट मींस हमारा फुल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 60%, इट मींस 16,666। ओके तो पहले टेबल बना लेंगे फ्रेंड्स। स्टेप नंबर वन, दिस इज योर मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन इन विच कम्स टू 10,000। स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स रेट इन राइट। लेबर वेरियंस आवर्स रेट अमाउंट आवर्स रेट अमाउंट वेरिएबल ओवरहेड आवर्स रेट अमाउंट फिक्स्ड ओवरहेड बजट एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस यूनिट्स एक्सपेंस आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस आवर्स एंड एक्सपेंस, क्योंकि कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी भी पूछा है ना अपने से फ्रेंड। स्टेप नंबर टू, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस डिवाइड इन टू मटेरियल यूसेज वेरियंस मटेरियल रेट वेरियंस लेबर कॉस्ट वेरियंस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर रेट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी।
राइट फ्रेंड्स, बोलो, टेबल रेडी है आपका? तो इसमें मैं आपको सब अभी तक का जितना भी हुआ है पूरा रिवाइज करा देता हूँ, राइट? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, राइट? फॉलोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए कंपोनेंट. एक कंपोनेंट को बनाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है? टू यूनिट्स लगेगा, राइट? सही आंसर है फ्रेंड्स. तो हम लोगों ने कितना बनाया? 10,000. तो 10,000 इंटू टू 20,000, राइट? मेरा रेट मैनेजर क्या बोलता है? 15 रुपीज पर यूनिट. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 3 लैक्स. 3 आवर्स, इट मीन्स 10,000 इंटू 3, 30,000. रेट पर आवर इज 20, तो दिस कम्स टू 6 लैक्स. 10,000 इंटू 3, 30,000. लेकिन अपने को क्या दे रखा है? टोटल ओवरहेड्स, इट मीन्स दिस इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल, राइट? तो अभी आप छोड़ दीजिए. बजटेड प्रोडक्शन 10,000 विच इज 60%, तो 16,666.67 एंड 1 यूनिट इज रिक्वायर्स 3 आवर्स, तो टोटल आपके बजटेड आवर्स हो जाएंगे 50,000. 10,000 इज द एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज 60% ऑफ द बजट. तो 60% इज 10,000, व्हाट इज 100%? टेन थाउजेंड इज 60%, सो वॉट इज 100%? 16,666.67. राइट, ये हमारा बजट तैयार हो गया. ओके, ब्रेकअप नहीं है तो अभी इसको छोड़ देते, ठीक है? अब आप आ जाइए एक्चुअल ना. एक्चुअल लेबर कॉस्ट 650, बोलो. द कॉस्ट अकाउंटेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिया उसने? वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, रिलैक्स, मटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 एडवर्स, लेबर रेट वेरियंस 50,000 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 50,000 एडवर्स. मटेरियल में अपने को क्या दे रखा है? 3 लाख कॉस्ट, राइट, एंड ओवरऑल वेरियंस 50,000 एडवर्स. तो अपना एक्चुअल कॉस्ट क्या रहा होगा? बोलो बोलो, 3 लाख माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस ना, तभी तो 50,000 एडवर्स आएगा ना फ्रेंड्स. बोलो,
दोनों का टोटल ये रहता है तो ये क्या जाएगा 20,000 बोलो फेवरेबल. इट मींस 20,000 माइनस समथिंग इनटू 15. तो 20,000 को डिवाइड करो 15 से कम्स टू 1333 और वो फेवरेबल है. इसके लिए कम यूज हुआ होगा राइट. लेस हमारे एक्चुअल यूनिट्स यूज हुए होंगे 18666.67 350,000 डिवाइडेड बाय 18666. दिस कम्स टू 18.75. सो 15 लेस 18.75 इनटू 18666.67. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. लेबर का कर सकते हैं फ्रेंड्स ट्राई. क्या था लेबर का कॉस्ट 6 लाख. एक्चुअल में क्या रहा है 650. कितने का लॉस हो गया 50,000. ये 50,000 एपीसी आपका क्या हो जाएगा 1 लाख. लेबर में आपको दे रखा है ना फ्रेंड्स बजटेड कॉस्ट 6 लाख एक्चुअल कॉस्ट 650. तो अपने को लॉस कितने का हो जाएगा बोलो 50,000. अब 30,000 माइनस समथिंग इनटू 20. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 इज 5,000 एडवर्स है इसके लिए 35,000. दिस इज का मतलब देर इज नो एबनॉर्मल एडल टाइम. हाँ 650 डिवाइडेड बाय 35,000 18.57. 20 लेस 18.57 इनटू 35,000. नो एबनॉर्मल एडेड टाइम इट मीन्स वेरिएबल ओवरहेड के आर्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड के आर्स भी क्या रहेंगे सेम. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 35,000 दिस कम्स टू 5.71. बाकी का इन्फॉर्मेशन नहीं है छोड़ दो नो प्रॉब्लम. फिक्स्ड ओवरहेड में आपके एक्चुअल यूनिट्स क्या आ जाएंगे 10,000. ओवरहेड में अपने एक्चुअल यूनिट्स क्या आ जाएंगे बोलो 10,000. ऑलराइट वेरिएबल ओवरहेड को छोड़ो आप पहले फिक्स्ड ओवरहेड पे आ जाओ राइट. फिक्स्ड ओवरहेड में क्या निकाल सकते हैं हम लोग एक्सपेंस वेरिएंस
अपने पास एक्चुअल एक्सपेंस है कितना 3 लाख और ओवरऑल वेरियंस क्या आ रहा है 50,000 एडवर्स। इसका मतलब हम लोगों ने क्या बजट किया होगा 2,50,000। यस ऑर नो? एक्सपेंस मैनेजर क्या बोलता है, सर 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 का लॉस हो गया राइट। हम लोगों ने कितना बजट किया होगा 2,50,000, लेकिन उसके सामने कितना लगा होगा 3 लाख। यस ऑर नो? बोलो, 250 लगा होगा ना फ्रेंड्स, 2,50,000। तो मेरा क्या आ जाएगा रिकवरी रेट पर यूनिट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 16,666.67 इज 15 और 250 डिवाइडेड बाय दिस इज 5। एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहां तक बताओ आप कुछ पूछना है आपको? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस मतलब जितना हम लोगों ने सोचा था, 250 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस क्या आ रहा है 3 लाख, तो कितने का लॉस हो गया 50,000। सही है सुनो, कैसे निकालेंगे? इट मींस कितना पे किया टू बैंक 3 लाख बाय रिकवरी 10,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1,50,000। अंडर रिकवरी आपका क्या आएगा 1,50,000। बोलो कितना पे किया आप लोगों ने? बोलो 3 लाख। रिकवर होके कितना आएगा 1,50,000। सपोज ये मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम का रेंट कितना है सपोज से 20,000 एंड मैंने सोचा था कि 20 स्टूडेंट्स मेरे को मिलेंगे, तो पर स्टूडेंट का रिकवरी रेट क्या हो जाएगा 1,000। इधर ध्यान दे, मैं बोल रहा हूँ कितना रेंट है यहाँ का क्लासरूम का 20,000। मैंने सोचा था 20 स्टूडेंट आएंगे, तो मेरा रिकवरी रेट क्या हो जाएगा 1,000। तो ये 20,000 मेरा क्या हुआ, ये मैंने बजट लिया, बजट 20,000, 20 स्टूडेंट्स आने वाले थे, एक जन कितना पे करेगा 1,000, लेकिन एक्चुअल में कितने आए सपोज 18 स्टूडेंट है ना, और एक्चुअल में मैंने रेंट पे कर दिया 22,000 राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट कितना पे करेंगे टू बैंक, बोलो कितना पे करेंगे 22, लेकिन मुझे वापस कितना मिलेगा 18 इंटू 1,000, तो स्टूडेंट से रिकवर कितना होगा 18,000। इसको क्या बोलेंगे भाई, रिकवरी 18 इंटू 1,000। मैंने पे कितना किया, रिकवर होकर कितना आया, कितने का लॉस हो गया है ना, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस कितना रिकवर हुआ 18, कितना पे किया 22, कितने का लॉस हो गया 4,000। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, 1 फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, 1 फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, रेंट अपन ने क्या सोचा था 20, पे कितना किया तो कितने का लॉस हो गया 2,000, 20 20 की जगह 22, कितने का लॉस हो गया है ना। अपन ने क्या सोचे थे कितने स्टूडेंट मिलेंगे 20, मिले कितने 18, एक का रिकवरी डेट कितने का लॉस हो गया है ना। तो सेम हमने क्या सोचा था एक्सपेंस 250, क्या एक्सपेंस आ गया 3 लाख। हमने क्या सोचा था कितनी यूनिट्स बनेंगी 18,666.67, बनी कितनी 16,666 है ना, एक का रिकवरी डेट 15, कितने का लॉस हो जाएगा, कम यूनिट बनी, अगर कम स्टूडेंट आएंगे तो मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। मैंने क्या सोचा था 20,000 रेंट जाएगा, गया कितना भाई, क्या हो गया लॉस। मैंने क्या सोचा कितना एक्सपेंस लगेगा 250, लगा कितना, अभी तो 50 का लॉस है, क्लियर? यस नो फ्रेंड्स?
फिक्स्ड ओवर है, कितना रिकवर हुआ अपने को 150, अपन ने कितना पे किया 3 लाख, कितने का लॉस हो गया 150, हु इज रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेंस मैनेजर, उसने क्या बोला था 250, खर्चा कितना किया 3 लाख, कितने का लॉस हुआ 50, क्या बोला था यूनिट्स बनेंगे 16666, बनी कितनी 10,000, कितनी कम बनी 6,000 इंटू 15, कितने का लॉस प्रीमियम में इतना ही है इसमें। हाँ अभी निकालेंगे ना, छोड़ नहीं देने का, छोड़ कैसे देंगे, जितना अपन आराम से निकाल सकते पहले वो ट्राई करने का ना, फिर दिमाग लगाएंगे कि कैसे निकलेगा, जितना फटाफट कवर अप हो रहा है पहले वो एरिया तो ले लेना अपन। बोलो यस और नो फ्रेंड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड क्या रहता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ बोलो आवर्स, कितने आवर्स का कैपेसिटी था 50,000, काम कितना किया 35, मैंने पेमेंट किया 50,000 का, पेमेंट किया 50,000 का, काम किया ओनली 35, पेमेंट तो 50 का गया, व्हाट इज द रिकवरी रेट 5, कितने का लॉस हो जाएगा ओके okay? और एक इसका लास्ट पर समझ लें, एक बार बाद में कॉपी करना, यूनिट्स एंड आर, समझो फ्रेंड्स, बोलो 16666.67, उसके लिए कितने आर चाहिए 50,000, मैंने एक्चुअल में यूनिट्स बनाए, एवरीवन कितने आर आने चाहिए, 30 वाला काम मैंने कितने में किया है, तो 5,000 घंटे का लॉस हुआ, 1 घंटे का कितना, कितने का लॉस हो गया, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आर्स, 16,000 को बनाने में 50,000, मैंने कितने यूनिट्स बनाए 10, तो 10 को बनाने में कितने आर्स लगेंगे 30, वो 30 वाला काम मैंने कितने में किया 35, आई एम नॉट एफिशिएंट राइट, और 1 घंटे का कॉस्ट कितना है 5, इट मींस लॉस कितना हो गया 20, दिस प्लस दिस इक्वल टू, या ऑलराइट, एक कंप्लीट आपका रिवर्स सम हो जाएगा ओके। यहां तक अपना कंप्लीट है, बोलो नो प्रॉब्लम, अब आपका क्या बचता है, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस फ्रेंड, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर और ओके। तो 2-3 तरीके से मैं आपको बताता हूँ राइट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए राइट। देखो कॉस्ट शीट में देखो आपका टोटल ओवरहेड पर आवर क्या है, बाद में कॉपी करना समझ लीजिएगा, टोटल ओवरहेड पर आवर क्या है, टोटल ओवरहेड पर आवर क्या है, उसमें से आपका फिक्स क्या है भाई, आपका वेरिएबल क्या रहा होगा, ये अगर आपने 5 किया ये क्या आ जाएगा 150, 150 के सामने आपका कितना आ जाएगा 50,000 आज का था पेमेंट 30 के सामने 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25,000 एडवांस, 5 लेस 5.71 इंटू 35,000 दिस इज द वन वे,
अनदर वे अपन क्या कर सकते हैं, आपका टोटल ओवरहेड पर यूनिट क्या है, पर यूनिट पर 30 पर यूनिट, आपका टोटल ओवरहेड पर यूनिट क्या है 30, 30 में से आपका फिक्स क्या है, आपका वेरिएबल क्या बचेगा, एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन राइट, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000, इसका मतलब 10,000 इंटू 15 150, यस और नो राइट। और अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके कर रहे हैं, नॉलेज अपना दिखाना है एग्जामिनर को राइट कि आई हैव ए गुड नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग, तो और अपन कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं, फंडामेंटली वो करेक्ट है। चले ये दोनों क्लियर हो गए, क्वेश्चन तो अपना यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी क्या आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स आने चाहिए एग्जाम में, ये दिमाग नहीं चल रहा है तो ऐसे होगा, ये नहीं चल रहा है तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। ये अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं मिसिंग फिगर ही पूछूंगा आपसे, अगर आपको पूरा सेट फॉर्मेट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे मिसिंग फिगर के सम्स वही। और मिसिंग फिगर में क्या है कि आई कैन सेव द टाइम ऑफ ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको उससे थोड़ी मेरे को ये पूरा सब लिखवाना है, अगर मेरे को जो टेस्ट करना है वो 5 मिनट में टेस्ट कर सकता हूँ। अगर सपोज आपका रिकवरी रेट क्या होता है, मैंने क्या लिखा था आपको, बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट, यही है आपका रिकवरी रेट क्या है पर यूनिट 30, उसमें से आपका बजटेड प्रोडक्शन क्या था, तो आपका बजटेड एक्सपेंस क्या रहा होगा 30 इंटू दिस इज से, यस सुनो। अब ये 5x में से आपका फिक्स्ड ओवरहेड तो आपको मालूम है कितना है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बचा, ये वेरिएबल ओवरहेड कितनी यूनिट्स के लिए है, हमको कितने के लिए चाहिए, आपका क्या आ जाएगा, आपको एग्जाम में मगजमारी करने की जरूरत नहीं, आप इसी मेथड से जा सकते हैं, लेकिन यू शुड नो द मेथड, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं राइट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए राइट। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो, कोई भी एक मेथड से अपन कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे राइट, कर लो कंप्लीट ना ये भी।
तो ये सब क्या थे आपके ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स राइट। नाउ अपन मेन पे आते हैं सीए फाइनल पे राइट। तो जस्ट यू राइट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन राइट। उसमें आप लिखिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट। स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टेप नंबर थ्री रिकंसिलिएशन। स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस। एनालिसिस ऑफ वेरियंस राइट। ब्रैकेट में लिखो एनालिसिस ऑफ मटेरियल। एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर कॉमा वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन बट एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। बट एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। अब कुछ भी आपको नया नहीं सीखना है, जो हम लोगों ने सीखा है वही आपको सिर्फ पूरा रिवाइज करना है। कोई भी बिजनेसमैन है वो पहले क्या बनाएगा कॉस्ट शीट। वो देखेगा भाई मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं राइट। उसके हिसाब से भी सपोज आप मेरी क्लास में आते हो तो मैंने कैसे बताया होगा आपको कि व्हाट इज द प्राइस पर स्टूडेंट। मैंने सोचे होंगे भाई कितने स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे, ये मटेरियल का कॉस्ट है, ये मेरे यहाँ का रेंट है, ऐसा है वैसा है राइट टोटल करके। फिर मैं अब देखूंगा मेरा एक्चुअल पीएनएल अकाउंट मुझे क्या प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। फिर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा रिकंसिलिएशन है ना। फिर मैं देखूंगा कौन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए। आपका सिलेबस ओवर एज ए कंसल्टेंट हमारा सिलेबस स्टार्ट के वेदर दिस इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ठीक है। तो यू जस्ट रिफर क्वेश्चन 195। क्वेश्चन 195 आप जरा देखिए। क्वेश्चन 195 तो ना पीछे बैठ जाओ।
जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 195, आराम से क्वेश्चन नंबर 195 समझिए फ्रेंड्स क्या दे रखा है। नाउ दिस टाइप के सम अगर आप लास्ट 20 एग्जाम में देखोगे तो 12 टू 14 टाइम्स एक ही टाइप का सम आता है, वो है थ्री कैंसिलेशन। अब वही अटेंड कर पाएगा जिसने स्टार्ट से लेके अभी तक एक एक लेक्चर अटेंड किया हुआ। आपने एक भी लेक्चर मिस किया है तो नहीं समझेगा, ओके? तो जरा ध्यान दो, बराबर 195 देखो जरा। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है ब्रेक में मेरे से पूछो, सर ये नहीं था क्लियर ना। 195 जरा देखो क्या बोल रहे हैं। स्टेप नंबर वन कॉस्ट कितने के लिए बनेगा फ्रेंड्स बोलो? 10,000, वेरी गुड। स्टेप नंबर टू पीएनएल अकाउंट गिवन बनाएंगे? नहीं। यू आर टू रिकंसाइल एक्चुअल प्रॉफिट विथ स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वेरियंस। आपको क्या बनाना है? रिकंसिलेशन, बराबर। एकदम प्रॉपर 12 से 15 मार्क आपके पॉकेट में, इसके साथ ओआर का प्रॉब्लम एकदम इजी आ जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है स्टैंडर्ड में, अभी प्लीज आज से आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होता है। कुछ भी एक भी नया पॉइंट नहीं बोलूंगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना है। 25 मार्क आपके पॉकेट में, बच्चे लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाते और आप फटाफट सॉल्व करोगे, मेरा गारंटी। थोड़ा ध्यान दो, राइट। स्टेप नंबर वन क्या बनाएंगे? कॉस्ट बना सकते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट हमेशा किसके लिए बनेगा फ्रेंड्स? बजट, वेरी गुड। एकदम ध्यान से आराम से करो, आप एक ही बार में आपका टैली होना चाहिए। बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है फ्रेंड्स 10,000 यूनिट्स टोटल पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40, वेरिएबल ओवरहेड 8, फिक्स्ड ओवरहेड 20, 108, 32, 140, 4 lakhs, 80,000, 2 lakhs, 1080, 320, 14 lakhs। ये आपका क्या बन गया? कॉस्टशीट। कॉस्टशीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी बिजनेसमैन है उसने क्या सोचा था, मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा बोलो? 10,000। कितने यूनिट्स बनाऊंगा बोलो एवरीवन? 10,000, है ना? उसने सब एस्टिमेट करके सब बना के बना। अब हुआ क्या, जब उसने एक्चुअल बिजनेस किया तो क्या हो गया? 8,000। इसका मतलब स्टेप नंबर टू प्रोसीजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन।
एक्चुअल प्रोडक्शन आपका क्या होगा 8000 यूनिट्स, और उसमें आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपको आया है 133,200। अब आप करोगे ना रिकंसिलेशन के सम लाइब्रेरी में, तब देखना लोग क्या बोलते हैं आपको घर। आपने इतनी मेहनत की हुई है अभी स्टैंडर्ड में, तो अब इसका मजा लो पूरा, राइट। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आया, आपको बताना है कि प्रॉफिट कम कैसे हुआ, हुज रेस्पॉन्सिबल अप टू व्हाट एक्सटेंट, योर वर्क इज ओवर एज ए कंसल्टेंट, हमारा स्टार्ट, फिर हम पकड़ेंगे भाई कंट्रोलेबल है या दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस, राइट। यही न्यू सिलेबस में इसका नाम हो जाएगा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। है कुछ नहीं, वही पुरानी चीजों को नए पैकेट में मान के दे देते हो लोग, फॉरिनर्स दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वही चल रहा है। सर्विस टैक्स करके कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम में सर्विस टैक्स आएगा, कोई लॉ ही नहीं है ऐसा, लेकिन एग्जाम में वो पूछेंगे, ऐसा कोई लॉ एग्जिस्टिंग में ही नहीं है, राइट, लेकिन वो बोलते नहीं आप उसका टेस्ट दो। दैट इज हाउ लाइक हम लोग कितने पीछे हैं, कहां वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के सामने हमारा कहीं नंबर, लास्ट वर्ल्ड की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटी में अपना नाम ही नहीं है, खाली दान की कॉस्टिंग को छोड़ के, राइट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। सर्विस टैक्स करके कोई लॉ ही नहीं है अभी, एग्जिस्टेंस में कोई लॉ नहीं है, लेकिन एग्जाम में बोलते नहीं सर्विस टैक्स पूछेंगे आपसे, कोई लॉ ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है अभी आज की डेट में इंडिया में, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है सर्विस टैक्स करके, ये बोलते नहीं एग्जाम लेंगे सर्विस टैक्स, क्या बोलेगा, सो मच रियली कोई बोलने वाला नहीं है इंस्टीट्यूट से कि अब कितने पीछे हैं, अगर कोई लॉ तो ऐसा होना चाहिए ना तब आप एग्जाम ले सकते हो ना, लॉ ही नहीं होते, नहीं नहीं हम वो तो 6 महीने, अरे इससे क्या मतलब है, यू शुड अपडेट योर सेल्फ यार, सेकंड्स में आजकल अपडेशन हो रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है करके, आप वो नहीं कर सकते अपडेट एग्जाम को, आपके पास मटेरियल नहीं है तो मतलब कुछ भी पूछने का बच्चे से, कोई लॉ नहीं है वो आप कैसे एग्जाम में पूछोगे, बोलते नहीं तेरा टेस्ट लेंगे सर्विस टैक्स, जो वो पुराने जमाने में था करके, 133,200 ये आपका क्या हो गया, ये परफेक्ट। स्टेप नंबर 3, लीव वन फुल पेज फॉर रिकैंसिलेशन, पूरा पेज छोड़ दीजिए, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग रिकैंसिलेशन, राइट, फर्स्ट लीव पूरा एक पेज छोड़ दीजिए, राइट। स्टेप नंबर 4 मैंने क्या लिखा है बोलो, स्टेप नंबर 4 एनालिसिस ऑफ, वेरी गुड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बना सकते हैं फॉर्मेट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे करते हैं, पहला स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस, बनाओ, स्टेप नंबर 4 एनालिसिस ऑफ वेरियंस, फर्स्ट मेटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, कितना एक्चुअल प्रोडक्शन है आपका 8000, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है प्लीज ब्रेक में क्लियर कर लेना, राइट। अब आप एकदम सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है, जो कॉस्ट कंसल्टेंट हम लोग क्या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करते हैं वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, क्या आपने सोचा था, क्या आपने एक्चुअल किया, वो क्या उसके रिजल्ट्स आए, राइट। मटेरियल वेरिएंस क्या करेंगे फ्रेंड्स, केजी है कि यूनिट है, क्या यूनिट्स, यूनिट्स, मेरे को बिल्कुल करेक्शन नहीं चाहिए, एक एक का कॉपी चेक करेगा, इनको पेरेंट्स को बुलाएगा, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, सेकेंड फ्रेंड्स लेबर वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बोलते रहो, आर्स, रेट, वेरिएबल ओवर हेड, आवर्स, रेट, अमाउंट, आवर्स, रेट, अमाउंट,
फिक्स्ड ओवरहेड, यूनिट्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, यूनिट्स, एक्सपेंस, सेल्स, मार्जिन, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर और रेट। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन रेट वेरिएंस, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। कोई भी दुनिया का सम रहने दो, आप सारा इसी फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो। ये फॉर्मेट के बाहर कुछ भी जाएगा नहीं। ऑल राइट फ्रेंड्स, बोलो, आर यू रेडी? चल, प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है फ्रेंड्स? एक यूनिट को बनाने में कितने यूनिट्स लगेंगे? बोलो, एक यूनिट को बनाने में कितने यूनिट्स बनेंगे? बोलो, है ना, टू यूनिट।
यूनिट्स ऑफ मटेरियल, उसका रेट क्या रहेगा 20, वेरी गुड, 8000 इंटू टू 16 इंटू 20 3,20,000, 8000 इंटू 20 आवर्स 1,60,000 इंटू टू बोलो 3,20,000, सुनो राइट, कॉस्ट में दे रखा है ना, बोलो या सुनो राइट, अब एक यूनिट को बनाने में 20 आवर्स 1,60,000, 8 रुपीज पर यूनिट है, हाँ ध्यान रखना 64, तो एक घंटे का क्या हो जाएगा 0.4, 8 रुपीज पर यूनिट है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवर हेड इज 8 रुपीज पर यूनिट, तो 8000 इंटू 8 क्या होगा 64, ट्राई टू रिकवर वेरिएबल ओवर हेड इन द रेशियो ऑफ आवर्स, ओके सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलो, वन यूनिट को बनाने में 20 आवर्स, सो 8000 को बनाने में बोलो एवरीवन 160, आपका क्या हो जाएगा 0.4, समझे या नहीं समझे राइट, आगे चलो, फिक्स्ड ओवरहेड 20, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन बजटेड, दिस कम्स टू 2,00,000, 10,000 3,20,000, आप बताइए एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स, कुछ भी पूछ रहे हैं आपको बोलो, या 140, हाँ तो कितना 32 रुपीज है ना पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 32 क्या आएगा, सेल्स मार्जिन है ना, प्रॉफिट फर्स्ट लेक्चर में कराया था, पीछे बैठा था तू उधर लास्ट बेंच पे, बोलो यस और नो फ्रेंड्स राइट, देन प्रॉपर, अब आप आ जाइए एक्चुअल पे राइट, ये टेबल आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स, बोलो ऑल राइट, एक्चुअल में आ जाइए, एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो 16,500 3,96,000,1,70,346,800, 2.04, लेकिन दिस इंक्लूड्स एबनॉर्मल आइडियल टाइम, कितना है फ्रेंड्स 4,000 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड किस पे लगेगा 166, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 60,000 डिवाइडेड बाय 166 0.36, एक्चुअल यूनिट्स 8,000 184, एक्चुअल यूनिट्स 8,000 एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, फर्स्ट लेक्चर में कराया था फ्रेंड्स आपको, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, इट मीन्स वॉट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस 11,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000, निकालो
11,20,000 डिवाइडेड बाय 8,140 लेस बजटेड कॉस्ट. व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट? 108. क्या हो जाएगा? 32 इंटू रेट 8,000 into 32, 256. Profit manager is not responsible for cost fluctuation. चलो अभी कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस. करो जरा, निकालो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. टेबल सबका कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स? बोलो. आराम से धीरे धीरे करो. राइट, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना कॉस्ट सोचा था हम लोगों ने? 320. कितना आ रहा है? 396. कितने का लॉस हो गया? 76,000. कितना था? 16. कितना आ रहा है? 16,500 into 20. 10,000 एडवर्स. 20, 24, 16,500, 66,000 एडवर्स. लेबर कॉस्ट कितना था? 3,20,000. कितना आ रहा है? 346,800. कितने का लॉस हो गया? 26,800. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है आपको मैंने 160 आवर्स बोला था, हम उसको बोलते हैं 170 आपने लिए. बोले नहीं, आउट ऑफ 170 4,000 आवर्स के लिए माय वर्कर वाज रेडी टू वर्क. 166 लेना पड़ेगा. सुनो, इज लेस 166 into 2, 12,000 एडवर्स. ये 4,000 into 2, 8,000 एडवर्स. ये 2 less 2.04 into 170,680 एडवर्स. अभी क्लियर हुआ? प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा 170 पे किया है आपने, लेकिन मेरे वर्कर ने कितना काम किया है? ओनली 166. 4,000 आवर्स के लिए माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क. वेरिएबल ओवरहेड 64 था, उसके सामने 64,000 वेरिएबल आवर्स. 160 के सामने
166 इंटू 0.4 2400 एडवर्स 0.4 लेस 0.36 इंटू 166 क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 166 लेस 0.4 इंटू 6400 फ्रैक्शन की वजह से ना 60 गलत नहीं आ रहा है 60,000 एलसी पे डिवाइड बाय 166 कर जो वैल्यू आया उसको 0.4 से माइनस कर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 166 आया फ्रैक्शन की वजह से वो प्रॉब्लम है अप टू वेरिएबल ओवरहेड फ्रेंड्स किसी को कुछ पूछ रहे हैं बोलो ऑलराइट अप टू वेरिएबल ओवरहेड एनी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बोलो करो आगे फिक्स्ड ओवरहेड कितना पेमेंट किया बोलो टू बैंक 184 बाय रिकवरी इधर से 2 लाख हो गई भाई तेरे को जितने वीडियो देखेंगे लोग क्या सोचेंगे बंबई के स्टूडेंट को कुछ आता नहीं है सब रिकॉर्ड हो रहा है उसमें ये बाहर वाले बच्चों के लिए जा रहा है क्या सोचेंगे बंबई के स्टूडेंट को इतना बेसिक भी नहीं आता है करके 160 उसके सामने कितना खर्चा हुआ 184 कितना हो जाएगा 24,000 एडवर्स क्या बोला था एक्सपेंस मैनेजर ने बोल 2 लाख खर्चा कितना किया 184 कितने का फायदा करके दिया 16 कितने यूनिट्स थे 10 बने कितने 8 इंटू 20 कितने का लॉस हो गया 40 एंड 16 इज 24 Yes, one of these. All right. बोलो क्या मार्जिन हम लोगों ने सोचा था बोलो 320 क्या मार्जिन आ रहा है 256 कितने का लॉस हुआ 64,000 एडवर्स वॉल्यूम 10 माइनस 8 इंटू 32 64,000 एडवर्स 32 इंटू 8 0 है सारे एनालिसिस कंप्लीट बोलो जो वेरियंस एडवर्स है वो आपका क्या हो गया लॉस जो वेरियंस फेवरेबल है वो आपको क्या हो गया प्रॉफिट और गेन ओके मेक द रिकंसिलेशन प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट क्या प्रॉफिट था बोलो 3 लाख
20,000. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 320 ड्यू टू मटेरियल यूसेज मटेरियल रेट वेरियंस ड्यू टू मटेरियल यूसेज कितने का लॉस हो गया 10,000 ये कितने का 66 वेरी गुड ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर आइडियल टाइम वेरियंस लेबर रेट वेरियंस एफिशिएंसी 12,000 एडवर्स आइडियल टाइम 8,000 एडवर्स रेट 6,800 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट एफिशिएंसी 2,400 एडवर्स 6,400 फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस एक्सपेंस वेरियंस 16,000 फेवरेबल ए 40,000 एडवर्स सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस सेल्स मार्जिन रेट वेरियंस सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 64 नील प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो तो क्या फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं है तुम लोग इंस्टीट्यूट का 100% मार्क्स बोल रहा है 50 पे ही पासिंग है ना आधा कर दिया तो भी हो जाएगा ना पास है 100% थोड़ी है पासिंग कोई कल भी मैंने एक शेयर पोस्ट किया है SFMO की लड़की को 99 आया संजय सराफ की कोई स्टूडेंट है कलकत्ता का कोई है तो 99 वाले को तो खैर क्या जरूरत है कोचिंग की वो तो खुद ही ब्रिलियंट रहते है करके तो लाते ही है ना लोग 99 लाए मतलब पेपर लोग बोल रहे पेपर वॉज वेरी लेंदी दिस दैट इंस्टीट्यूट बोलता है हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऐसा कमाल करते
हुआ, रिवाइज हुआ फ्रेंड्स? बोलो, कुछ पूछ रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया? राइट, कुछ भी नया तो नहीं था, राइट? सब अपन ने अरेंज किया खाली। बोलो फटाफट, आप मुझे 208 करके दिखाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 208, ओके okay? आराम से सिस्टमेटिक जाओ, पहले कॉस्ट शीट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, राइट? फिर एनालिसिस ऑफ वेरियंस करो। जल्दीबाजी नहीं करो अभी, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखो अभी। क्वेश्चन नंबर 208, ये आपके पीएम में भी दे रखा है, मॉड्यूल में भी है, और दो बार एग्जाम में आया हुआ है सेम सब। स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप मुझे कॉस्ट शीट बना के बताइए। राइट, क्या है बजटेड प्रोडक्शन फ्रेंड्स? बोलो, सब लोग का आवाज नहीं आ रहा है? बजटेड प्रोडक्शन 5000 बना सकते हो? बजटेड प्रोडक्शन 5100 टोटल पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपीज पर यूनिट, 0.6, 7.4, 14, 6, 30,600 बोलो फ्रेंड्स। इसमें पीएनएल भी नहीं दे रखा है, वो भी बनाना पड़ेगा।
एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रोडक्शन 4850। टू मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड सेलिंग इन एडमिन नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। Leave one full page for रिकंसिलेशन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट रिकंसिलेशन वन ऑफ द सेम वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए लेकिन गो इन आवर फॉर्मेट ओनली राइट। लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलेशन व्हेन यू मेक द फॉर्मेट राइट।
स्टेप वन स्टेप टू में कुछ पूछना है फ्रेंड्स, बोलो। पीएनएल अकाउंट कॉस्ट शीट,
एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट।
एकदम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, जो भी आप कर रहे हो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। या फ्रेंड्स हेल्प यू, यू आर डूइंग द टफेस्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉसिंग राइट। या जब क्लास स्टार्ट किया था तो पता चला ऐड की जरूरत नहीं है, रानी सर का तो नाम है, ऐसे ही बच्चे आ जाएंगे, बाद में पता चला नहीं तो ऐड करना पड़ा, तो ऐड करना पड़ा तो डायरेक्टली रिकैंसिलेशन में से माइनस हो जाएगा राइट। एक जन भी नाइस भी नहीं बोला, क्लैप भी नहीं किया, इतना टफ कर रहे हो तुम लोग। कहाँ चले गए थे इतने दिन, दूसरे क्लासेस थे, फिर बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स को बोला दानी सर क्या पढ़ाते हैं, हमको समझता नहीं है यार, इतने गैप के बाद आओगे तो कैसे समझेगा, तो वो लोग पूछेंगे दानी सर कैसे सिखाते, तो बोलना नहीं समझता।
टेली हो रहा है फ्रेंड्स, श्री को बोलो, एम आई गोइंग फास्ट? द टफेस्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड, आपने एक भी लेक्चर अब अगर कैंसिल लाइक या बीच में मिस किया तो नहीं होएगा आपसे। आपने आइडल नहीं किया या आपने सेल्स का नहीं किया या मेटेरियल का नहीं किया या लेबर में नहीं थे, इसके लिए बोलता हूं प्लीज डोंट मिस द लेक्चर, राइट? आप पूरा सब बराबर से करो। आज कुछ भी हम लोगों ने नया नहीं सीखा है, जस्ट जो भी इंफॉर्मेशन उनको अरेंज ही किया है। बोलो, टेली रिकैंसिलेशन सब बराबर रिवाइज हो गया, सब रिकलेक्ट हो गया फ्रेंड्स? बोलो सही है, सुनो। अभी क्लाइंट अपने को पूछेगा, अच्छा तुमको ये सब आता है? बोले अगर मैं तुमको ये देगा तो तुम ये सब बना सकते हो इधर वाला। योर क्लाइंट इज ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन इन मैन्युफैक्चरिंग। योर क्लाइंट इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। बोलता अच्छा तुमको ये तो सब आता है, तुम बाय हार्ट करके आए, राइट? सिक्स फॉर्मेट, मैं तुमको ये देगा कुछ मिसिंग तो तुम वहां बना सकते हो कॉस्ट शीट। हमारा फॉर्मेट तो है, तू कुछ भी दे हम करेंगे।